सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, मगर हकीकत यह है कि देवभूमि में करप्शन की जड़ें काफी गहराई तक जमी हुई हैं। ऐसा ही एक मामला सहकारी बैंक के एमडी का सामने आया है, जिन पर करप्शन के गंभीर आरोप लगा होने के बावजूद 3 साल तक सरकार ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। उत्तराखंड सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, मगर सरकारी बैंक के एमडी दीपक कुमार पर लगे आरोपों के बाद सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल है। सवाल यह है कि जिस अधिकारी पर करप्शन के गंभीर आरोप लगे हों, उस पर इतनी मेहरबानी क्यों? दीपक कुमार को फिलहाल सहकारी बैंक के एमडी पद से हटा दिया गया है। 3 साल बीत गए, आज सरकार ने उनको रिवर्ट किया और उसकी वजह यही पाई गई, जो उनके खिलाफ जांचें चल रही थी या जो उन पर आरोप लगे थे वो सही पाए गए। शासन ने उनको उनके मूल पद पर रिवर्ट कर दिया। लेकिन एक अजीब बात यहाँ पर ये हुई कि उत्तराखंड सरकार जो जीरो टॉलरेंस का करप्शन पर एक हवाला देती है, जो बार बार दावा करती है, बार बार ऐलान करती है कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, उस सरकार को दीपक कुमार के भ्रष्टाचार के आरोपों को समझने में, दीपक कुमार को परखने में 3 साल लगे। दीपक कुमार पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप थे, इसकी जांच चल रही थी, बावजूद इसके वे इतने बड़े पद पर बने रहे। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिरकार दीपक कुमार पर क्या आरोप है। जिला सहकारी बैंक चमोली में महाप्रबंधक के पद पर रहते हुए साल 2013 में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगा। डीसीबी उत्तरकाशी में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में ऋण घोटाले का आरोप। डीसीबी टिहरी में 27 लाख का बीमा प्रीमियम घोटाले का आरोप दीपक कुमार पर लगा। हरिद्वार में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती में गड़बड़ी। बैंकिंग कार्यों में आरबीआई की गाइडलाइन की अनदेखी। पिछले कुछ सालों में आय से अधिक संपत्ति की विजिलेंस जांच का सामना कर रहे हैं दीपक कुमार। कुछ प्रकरण थे, कुछ शिकायतें थे, उस पर जांच चल रही थी और विधिवत जांच किया गया जांच अधिकारी ने, और उसके साथ साथ उनको सुनवाई का अवसर भी हमने पूर्ण रूप से दिया था। फाइनली 2 ऐसे आरोप इनके ऊपर सिद्ध हुए थे, उसके आधार पर उच्च अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत उनको उनके मूल पद पर रिवर्ट किया जा रहा है, जो जीएम का पद है। ये तो सिर्फ दीपक कुमार की बात है कि एक और मामला भी जान लीजिए। करोड़ों रुपए के स्कॉलरशिप घोटाले के आरोपी समाज कल्याण के संयुक्त निदेशक गीताराम नोटियाल पर भी मेहरबानी हुई। 18 मई को उन्हें अचानक बहाल कर दिया गया। पिछली सरकार में उत्तराखंड में छात्रवृत्ति का करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था। हाईकोर्ट के आदेश पर एक SIT उसकी जांच कर रही है और उस पूरे प्रकरण के मुख्य आरोपी समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक गीताराम नोटियाल को 1.5 साल पहले मौजूदा सरकार ने सस्पेंड कर दिया था। पिछली 18 मई को अचानक उनकी बहाली के आदेश हो गए और जैसे ही बहाली के आदेश सार्वजनिक हुए तो सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और सरकार की इस मामले में काफ़ी किरकिरी हुई। जैसे ही सरकार की किरकिरी हुई तो उन्हें महज 4 दिन बाद ही सस्पेंड कर दिया गया, जबकि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर एक SIT जांच जारी है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ दिखावा है? दरअसल हकीकत यह है कि इस छोटे से पहाड़ी प्रदेश में भी करप्शन की जड़ें इतनी गहराई तक जमी हुई हैं, जिन तक पहुंचने के लिए बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। सरकार का आज का आदेश इस बात को स्वयं साबित कर रहा है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं खोट है और भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है। आने वाले समय में भ्रष्टाचार पर किस तरह की चोट त्रिवेंद्र सरकार करेगी, क्या उसके मानदंड होंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल ये 2 किस्से जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो गया था। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ ABP गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तराखंड की टूरिज्म इंडस्ट्री लॉकडाउन की मार झेल रही है। कोरोना महामारी ने टूरिज्म व्यवसाय को बुरी तरह से प्रभावित किया है, मगर अब जल्द ही टूरिज्म को फिर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। कोरोना की ऐसी मार पड़ी कि उत्तराखंड का पर्यटन व्यवसाय चौपट हो गया। लॉकडाउन की वजह से तमाम पर्यटक स्थल वीरान पड़े हैं। ऐसे में इनसे जुड़े लोग मायूस हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा से जुड़े हजारों लोग बेरोजगार हैं। विगत वर्षों में यहाँ पे 10,000 और 20,000 के लगभग यहाँ पे रोज यात्री आते थे और पूरी क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार पूर्ण रूप से मिलता था, लेकिन इस बार रोजगार न होने के कारण यहाँ पे सारे स्थानीय लोग, व्यापारी
जितने भी मजदूर संघ के लोग थे सभी परेशान हैं। एक तरफ पर्यटन व्यवसाय चौपट होने से सरकार को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो वहीं टूरिज्म से जुड़े लोगों का रोजगार छिन गया है। ऐसे में प्रदेश सरकार की तरफ से थोड़ी सी ही सही मगर कुछ राहत जरूर दी गई है। पर्यटन से जुड़े लोग हैं, आपके टैक्सी ड्राइवर्स हैं और बस ऑपरेटर्स हैं, खच्चर वाले हैं और जो हमारे कलाकार लोग हैं, सबको 1,000 देने की बात कही है और उसके लिए स्वीकृति हुई है और आगे भी ये बढ़ाया जा सकता है, तो निश्चित रूप में अच्छा काम हुआ है ताकि लोगों को मोबिलाइज किया जा सके। लॉकडाउन 4 में छूट मिलने के बाद अब पर्यटन व्यवसाय को फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। दो राज्य उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के पर्यटन सचिव को प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया है। इनकी स्टडी के बाद यह तय होगा कि टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर क्या फैसला लिया जाना है। चारधाम एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है पर्यटन का, और उसमें जो नुकसान हुआ है उसके लिए अध्ययन के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक कंसल्टेंसी कार्य कर रही है। वो 2 महीने में अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगी, लेकिन इंटरिम में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है और उसके संदर्भ में हमने प्रस्ताव जो है हमारे डिपार्टमेंट के लेवल पर, कैबिनेट के लेवल पर प्रस्तावित किए गए हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री को हुए नुकसान के आकलन के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की कंसल्टेंसी भी काम कर रही है, जो अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में स्टेट टूरिज्म सेक्रेटरीज को भी लिया गया है, उसमें उत्तराखंड से मैं और मध्य प्रदेश से वहाँ के सचिव इनको लिया गया है। जल्दी ही जल्द हम लोग उसके संदर्भ में एक गाइडलाइन जारी करेंगे और उसके उपरांत यह पर्यटन व्यवसाय जो है पूर्ण रूप से खुल जाएगा। पर्यटन से उत्तराखंड सरकार को बड़ा राजस्व मिलता है, यही वजह है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रदेश की आर्थिक की रीढ़ कहा जाता है। मगर लॉकडाउन की वजह से पर्यटन व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है। देहरादून से विनोद कुमार के लिए एबीपी गंगा की रिपोर्ट। वहीं रामनगर में एक दिलचस्प तस्वीर दिखी। एक गजराज ने नेशनल हाईवे पर प्रवासी लोगों की गाड़ी पर हमला कर दिया। वक्त रहते गाड़ी के अंदर मौजूद किसी तरह से दूर भाग गए, मगर हाथी ने गाड़ी के शीशे अपनी सूंड से तोड़ दिए और फिर गाड़ी के अंदर रखा खाने पीने का सामान भी चट कर गया। साथ ही गाड़ी में रखे सामान को उसने तहस नहस कर डाला। जानकारी के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग के फायरिंग करने के बाद ये हाथी जंगल की तरफ भागा। तस्वीर दिखा रहे हैं उस गाड़ी की जिस पर हमला किया उस भूखे हाथी ने। लोग हालांकि वक्त रहते ही उतर कर भाग गए, लेकिन इसमें जो खाने पीने का सामान रखा था भूखे हाथी ने उसे खा लिया। वो और निकला नहीं। वन विभाग के लोग आए, उन्होंने फायरिंग की और तब जाकर वो हाथी जंगल की तरफ भागा। प्रवासियों की ये गाड़ी थी जिससे वो जा रहे थे, अचानक ही एक हाथी वहां पर प्रकट होता है, इस गाड़ी को रोकता है और उसमें तोड़फोड़ शुरू कर देता है। देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसी हाथी की। गाड़ी में कुछ ज्यादा ही माल है, मुमकिन है ये भूखा रहा हो। और लोग तो सुरक्षित उतर कर चले गए, लेकिन इसके अंदर रखी खाने पीने की चीजें ये चट कर गया। वक्त का एक ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।